आज है 7 फरवरी और ये आप लोग देख सकते हैं जेसीबी रास्ते को ठीक करते हुए आती हुई। आज है 7 फरवरी 2022। जितने भी लोग डलोजी में ऊपर माल रोड की तरफ अपनी गाड़ियां लेकर आते थे, उन लोगों को गाड़ियां खड़ी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो आज जो है ये कमेटी की तरफ से जो गांधी चौक माल रोड के पास जो पार्किंग है, ये पार्किंग से बर्फ हटाई जाएगी, क्योंकि जितने भी लोग मार्केट की तरफ आ रहे हैं, रास्ता तो खुल चुका है पर पार्किंग की जगह नहीं है। लोगों को गाड़ियां जो है वो खड़ी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो ये जेसीबी आई है और ये अब यहाँ पर पार्किंग से बर्फ हटाएगी। अपने अपने रूट पर मशीनें जाती हुई ये लोग देख सकते हैं, बर्फ के बाद जो है हर जगह के रास्ते जो है वो खोले जा रहे हैं। तो ये मशीनें अपने अपने रूट पर जाती हुई, ये पार्किंग, आप जितने भी लोग डलोजी आएंगे माल रोड घूमने के लिए तो उनको जो है पार्किंग के लिए, सब जो लोग आएंगे उनको जो है जगह मिल पाएगी। पार्किंग से बर्फ हटाती हुई मशीन। डलहौजी में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है और बस स्टैंड से आगे जो है ये पूरा सुभाष चौक गांधी चौक से बस स्टैंड तक दोबारा से फिर पूरा रास्ता खोल दिया गया है। पर जितने भी लोग हैं, बर्फ़ तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगी। जितने भी लोग डलहौजी में आएंगे उन लोगों को अपने होटल के आसपास ही बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने के लिए मिल जाएगी। पर कुछ लोग जो हैं वो मार्केट की तरफ अपनी गाड़ियां लेकर आ जाते थे और उन लोगों को पार्किंग नहीं ना मिल पाने के कारण जो है वापस फिर गाड़ी घुमाकर अपने होटल ही जाना पड़ता था। तो आज जो है ये 7 फरवरी को जो गांधी चौक माल रोड के पास जो पार्किंग है उसमें से बर्फ़ हटाई जा रही है। अब जितने भी पर्यटक जो है वो अपनी गाड़ियाँ लेकर माल रोड की तरफ आएंगे तो उनमें से कुछ लोगों को जो है यहाँ पर गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। तो 15 से 20 गाड़ियों के लिए यहाँ पर जगह जो है वो मिल पाएगी। उसके बाद जो और ज़्यादा लोग आएंगे उनको जो है वो जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि रोड के दोनों तरफ जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो इस बार हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा ही हिमपात हुआ है, तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। अभी तक जितने भी लोग आते थे उन लोगों को, ये आप लोग देख सकते हैं तस्वीरें, ये सभी लोग जो है ये मार्केट की तरफ आए हुए थे और पार्किंग में बिल्कुल भी जगह नहीं है। पार्किंग के अंदर पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ थी, तो किसी को भी गाड़ी जो है वो पार्किंग में नहीं लगा सकते थे। जितने भी लोग माल रोड की तरफ अपनी गाड़ी लेकर आएंगे तो उन लोगों को पार्किंग की जो जगह वो मिल पाएगी। तो ये हैं आज 7 फरवरी 2022 और सोमवार की तस्वीरें जो कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं। तो अब आज के बाद ये आप लोग देख सकते हैं अंदर जो है वो गाड़ी नहीं जा पाती थी और पूरे अंदर पार्किंग के अंदर बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो आज जो है ये पार्किंग को खाली किया जा रहा है, जो यहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई थी उस बर्फ़ को हटाया जा रहा है ताकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो सके। तो अब जो है जो भी लोग मार्केट की तरफ आएंगे उन लोगों को जो है पार्किंग में जगह मिल पाएगी कुछ गाड़ियों के लिए। बाकी रोड के किनारे अगर आप लोग सोचोगे कि हम गाड़ी खड़ी करके मार्केट घूम पाओगे तो रोड के किनारे अभी भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो कुछ जो लोगों को यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह अब मिल सकती है आज के बाद। तो बर्फ़ जो है अभी अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश की तरफ आना चाहते हैं डलहौजी की तरफ तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। आप लोग देख सकते हैं तस्वीरें, बहुत ज़्यादा जो है बर्फ़बारी हुई है और ये आने वाले और ज़्यादा दिनों तक जो है लोग यहाँ पर महीनों तक, दिनों तक नहीं है और आगे जो है महीनों तक लोग जो है ये अच्छी और साफ़ सुथरी बर्फ़ देख पाएंगे। तो जितने भी लोग हैं वो अगर बस स्टैंड से ऊपर गाड़ी लेकर आते हैं तो उन लोगों को फ़िलहाल गाड़ियां लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था अभी तक इतनी गाड़ियों के लिए नहीं हो पाती है, क्योंकि टूरिस्ट हैं वो हज़ारों में आते हैं तो यहां पर इतनी ज़्यादा पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए लोगों को जो है बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो ये पार्किंग खुल चुकी है, पार्किंग से बर्फ़ हट गई है, तो अब जो है लोगों ने पार्किंग के अंदर जो है गाड़ियाँ लगाना शुरू कर दिया है। तो कुछ लोगों को, और बाकी आप लोग देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और अब जो है ये पार्किंग में कुछ जो गाड़ियां हैं वो लग सकती हैं।
तो ये आज ही पार्किंग की व्यवस्था हो पाई है, पर ये इतनी ज़्यादा गाड़ियों के लिए व्यवस्था नहीं है। तो जो भी लोग चमेरा लेक या खजियार की तरफ जाने के लिए या चंबा की तरफ जाने के लिए ही अपनी गाड़ियाँ निकालें, माल रोड की तरफ अगर आप लोग अपनी गाड़ी लेकर आ जाओगे तो आप लोगों को पार्किंग की जो है वो दिक्कत आ सकती है, और फिर आप लोगों को वापस घूमकर जो है वो बस स्टैंड की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे कहीं भी पार्किंग आज तक तो नहीं थी। तो आज ये थोड़ी सी पार्किंग जो है वो खाली कर दी गई है, तो इसमें भी 15 से 20 गाड़ियाँ ही लग सकती हैं। तो अगर आप लोगों को पार्किंग में जगह मिल गई तब तो बेस्ट है, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप लोग मार्केट की तरफ आएँ तो फ़िलहाल पैदल ही आएँ, क्योंकि पार्किंग जो है वो आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अगर आप बस स्टैंड से आगे गाड़ी ना ही लेकर आएँ तो ही अच्छा रहेगा। और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9418007673। तो ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ और नए किसी स्पोर्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।